सभी को राम राम। जैसा कि सबको पता है, मेरी पिटीशन पेंडिंग है, फैसला कुरुक्षेत्र के खिलाफ आया था और अब उन्होंने अपील की तो रिव्यू पिटीशन मंजूर होगी, ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। इसके लिए जो है ना नोटिस इशू हो चुके हैं। अब जब तक यह सर्विस पूरी नहीं होगी इसमें तारीख नहीं लगेगी, और या फिर पब्लिक नोटिस वगैरह निकलवाना पड़ेगा, इनको एक्सपार्टी कराना पड़ेगा। बाकी फ़ायदा इसमें अपने नोटिस रिसीव करो और नहीं रिसीव करने अपना मना कर दो, नहीं तो फिर एक्सपार्टी हो गई तो फिर पार्टी भी नहीं बन पाओगे। भाई मेरा तो जिसने पार्टी बनना बन जाओ, उसमें तो क्या सब अपने लिए लड़ते हैं, लड़ना चाहिए और सब अपनी जगह सही भी होते हैं। भाई कुरुक्षेत्र वाले अपनी जगह सही है, ITI वाले अपनी जगह सही हो सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। कोर्ट कचहरी सबकी है, जस का है, कोई बात नहीं भाई। हालांकि दूसरे के बुरा के लिए जाना गलत से, तो एक लिस्ट है, मैं दोनों की लिस्ट बताऊंगा, पिटिशनर की भी रेस्पोंडेंट की भी। आज जो है ना रेस्पोंडेंट यानी ITI के कैंडिडेट की लिस्ट बताता हूँ, आप अपने आसपास देखना और बताना भी इनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है और ये पार्टी बने हैं नहीं बने हैं, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी का जानकार सब हैं। धरती गोल है, घूम फिर के हम सब आपस में जाना है और कोई दुश्मनी भी नहीं है। कोर्ट केस एक अलग मैटर है, वैसे तो भाईचारा है सबसे। तो इसमें देखो, पहली पार्टी तो है भाई द स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दूसरा है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, तीसरा है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चौथा है देवेंद्र भाकर, हालांकि अभी ये भास्कर लिखा लग गया, ये अब सेलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है इसकी, तो मेन केस इसी के नाम था। अब दूसरा है प्रदीप सनोप राजेंद्र सिंह, अब ये मैम रोहतक का है, इसका नहीं पता भाई, आपको पता हो तो बताना। एक अनिल कुमार सनोप श्री ओम प्रकाश अशोक विहार, ये शायद इस एड्रेस पर अभी रहते नहीं हैं, लेकिन इसका सिलेक्शन मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, होया हो तो भी बताना। मेन मकसद मेरा बताने के है तो कम से कम पता तो चले भाई इनमें से कितने सिलेक्टेड हैं कितने नॉन सिलेक्टेड हैं, और इनको भी पता लग जाए भाई इनके नाम नोटिस आना था, ताकि ये भी अपने डाकिया वगैरह से पूछ सके और अपना वकील वगैरह कर लें। आगे सातवें नंबर पर है अमिता डॉटर ऑफ बलवंत सिंह रोहतक से राम गोपाल कॉलोनी, फिर अर्चना है ये सोनीपत से है भाई, धर्मेंद्र सिंह ये यमुनानगर से है भाई, मनीष यादव गुड़गांव 10 नंबर पे, मोहित कुमार ये भी गुड़गांव से, अजय कुमार ये भी गुड़गांव से, विकास ये भी गुड़गांव से, प्रियंका ये रेवाड़ी से, मूलचंद महेंद्रगढ़ से, पूजा रेवाड़ी, धर्मवीर सिंह ये भी रेवाड़ी से हैं भाई, रेस्पोंडेंट नंबर 16। अब अपने प्रदीप कुमार जी हैं सनोप श्री उपेंद्र सिंह, ये प्रदीप बोरा जी, इनका शायद कुमार लिखते हैं वैसे, प्रदीप बोरा जी हैं अपने आदरणीय, गांव का नाम रेवाड़ी किरोलरा कुछ ऐसा गिवालड़ा कुछ पता नहीं क्या नाम है इनके, ऐसे नाम तो हरियाणा में कर सब के से, रेवाड़ी से हैं, रेस्पोंडेंट नंबर 18। आगे परमवीर सिंह ये भी गुड़गांव से हैं भाई, निशा यादव ये भी गुड़गांव से है, अजय कुमार रेवाड़ी, सपना रेवाड़ी, हंसराज रेवाड़ी, अच्छा मनीष कुमार गुड़गांव, रवि यादव रेवाड़ी, विजय गुड़गांव, रामबीर गुड़गांव, धर्मानंद रेवाड़ी, ये धर्मानंद जी कोई वो बड़े ऑकवर्ड से कमेंट किया करें, जो इनका एड्रेस है भाई विलेज नूरगढ़, अगर यही है तो, क्योंकि धर्मानंद नाम था उनका भी, और धर्मानंद 10-20 तो पाओगे नहीं, एक नाम ऐसा एक का पाओगा। आगे सुमन है रोहतक से, एक है धनराज यादव गुड़गांव, सपना गुड़गांव, दीपक मोर ये सोनीपत से है भाई, फिलहाल नॉन सेलेक्टेड था है, ओल्ड में था ये रेस्पोंडेंट नंबर 32 पे है, बताना भाई मोर साहब आपके नोटिस रिसीव हो गए नहीं हो गए। रीना गुड़गांव, मनीष गोहाना सोनीपत, ये तो शायद ज्वाइन हो चुका है भाई जहाँ तक मुझे लगता है, सविता राजेंद्र सोनीपत से, मोनिका ये भी सोनीपत से है, इनका नहीं पता भाई, धर्मरोहिला रोहतक, अनिल ओम प्रकाश, वो पहला भी अनिल था ओम प्रकाश का, पता नहीं ये एड्रेस दूसरा है, चलो इसका बताना भाई किसी को पता हो तो, संदेश गुड़गांव, उदयवीर गुड़गांव, नरेंद्र सिंह
ये भी गुड़गांव, मुकेश कुमार सोनीपत से हैं भाई, इनकी मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग हो चुकी है। प्रदीप कुमार उमेद सिंह हिसार, पूनम देवी सोनीपत, अजय कुमार मोई माजरी, देविंदर सोनीपत, आशिमा सांगवान जींद, अनिल ओम प्रकाश, ये तीसरा अनिल आ लिया भाई ओम प्रकाश का, ये चक्कर नहीं समझ मार रहा, रेस्पोंडेंट नंबर 48 पे है। सुनील ओम प्रकाश, अशोक विहार, अर्चना रामफल वर्मा, प्रवीण सुंदरलाल गुड़गांव, रविंदर रोहतक, अच्छा कृष्ण सोनीपत, जसमेर वीपीओ रबड़ा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है, यो जसमेर जांगड़ा नहीं है भाई। सुधीर कुमार जसमेर जांगड़ा की ज्वाइनिंग हो चुकी है, इस भाई का पता नहीं। सुधीर कुलबीर सोनीपत है, ज़्यादा तो वैसे सोनीपत के ज़्यादा एड्रेस है भाई। संदीप महेंद्रगढ़, सोनूराम जींद, रघुवीर सिंह सनोप केयर सिंह वीपीओ कप्पड़ डिस्ट्रिक्ट हिसार, ये अपना रघुवीर सिंह है भाई, पता ही हो इसका भी क्या रहा। मुकेश कुमार दुलीचंद सोनीपत, इसका ही बताना। सुनीता सोनीपत, निर्मल सोनीपत, राजबीर भिवानी, मोनिका कुरुक्षेत्र, गौरव शर्मा कुरुक्षेत्र, मनीष यमुनानगर, भूपेश यमुनानगर, ये भूपेश भी कई बार कमेंट करता है भाई, इसका ही बताना। वैसे मेरे हिसाब में सिलेक्शन नहीं हुआ है, कमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। विपिन यमुनानगर, देवेंद्र यमुनानगर, जितेंद्र यमुनानगर, सुनील यमुनानगर, ओम कुमार यमुनानगर, अमित यमुनानगर, नीरज यमुनानगर, अनीता शौरान इशार, कर्नेल कैथल, जयदीप मोर सोनीपत, सतीश यमुनानगर, सुजाता रिवाड़ी, मनीष सोनीपत, ये दो मनीष हो गए भाई, इसके अलावा मनीष भी दो हैं, अजय गुड़गांव, योगेश फरीदाबाद, पूजा फरीदाबाद, सुमित कुमार फरीदाबाद, इंद्राज खुटेला फरीदाबाद, सुमन फरीदाबाद, ललित फरीदाबाद। तो भाई मेरा मकसद सिर्फ इतना है ताकि इन साथियों को सूचना मिल जाए कि भाई इनका केस में नाम है और ये रेस्पोंडेंट है, इनको जवाब देना इनका बनता है। अगर इनको पार्टी बनना है तो अपना या तो इनको नोटिस आ लिए होंगे, नहीं आए हों तो अपने डाकिया वगैरह से कन्फर्म कर लो, अपने नोटिस रिसीव कर लो और अपना वकील वगैरह कर लो, क्योंकि लड़ाई इस आपस की कोई लड़ाई नहीं है, कोर्ट की लड़ाई है, तथ्यात्मक लड़ाई है, जिसके खसमा हकमाना होगा आ जाएगा, लेकिन जल्दी आने में सबका फायदा है। क्योंकि हम तो देखो, मैं तो करा रहा हूँ साफ बात, अगर कुरुक्षेत्र नॉट एलिजिबल रहना है तो कम से कम जो एलिजिबल है वह उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और कुरुक्षेत्र अगर एलिजिबल हो जाता है तो वह कुरुक्षेत्र वाला की ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, रुकण में किसी का फायदा नहीं है। अगर इसने न्यू सोचे हैं, जैसे अपने बोरा जी लिख रहे थे कि लंबा चलेगा, लंबा कराएंगे, ये करेंगे, भाई वो तो चलो अपने विचार है, लेकिन लंबे में तो बोरा जी का ही फायदा नहीं है, क्योंकि उनने भी भाई पूरा सबको ज्वाइन कराना, आईटीआई वाले ज्वाइन जब होंगे, जब रिव्यू पिटीशन पे फैसला आ जाएगा, या तो फैसला सेम रह जाएगा या बदल जाएगा। तो ये मत सोचो भी मुझे क्या जल्दी जल्दी सबको होनी चाहिए, जिसने भी सिलेक्शन चाहिए है उसके लिए ये फैसला आना जरूरी है, और इसके लिए सर्विस पूरी होनी जरूरी है, और सर्विस पूरी जब होगी जब हम खुद कोशिश करेंगे। तो मेरा मकसद तो ये है भाई, जिसने भी आईटीआई वाले का भी हक बना है, लेट में उसने भी कुछ नहीं मिलता, बैठे रहो बार भाई, चल कुरुक्षेत्र वाले इतने दिन तक बैठे, दो चार महीने और सही, आईटीआई वाला ने क्या मिल जाएगा। और खासकर जो मनोज वगैरह जो कोशिश कर रहे हैं भाई अपनी रिजल्ट रिवाइज की, अब उनको पता चल गया भाई रिजल्ट रिवाइज नहीं हो सकता जब तक रिव्यू पर कुछ फैसला नहीं होता। तो एक कॉमन ही बात सबका ही इसमें है भी जल्द से जल्द इसमें सुनवाई हो, और अगर ये सर्विस पूरी हो जाती है तो जुलाई के 3rd या 4th week में इसकी डेट मिल जाएगी, उसके 2nd में मिल जाए, बात है सर्विस पूरी होने की। और ये सर्विस हमारे ऊपर है, क्योंकि कई साथियों के जो है ना एड्रेस चेंज है इसमें, और कईयों का एड्रेस ही नहीं है, तो इसलिए अपना कम से कम डाकिया से ये पता किया जा सका है कि भाई हमारा नोटिस कहाँ पर है, वो मिल सकता है जिस भाई का चेंज हो रहा हो उसमें, या तो आप रिसीव कर लो या मना कर दो भाई हमने पार्टी नहीं बनना, दोनों में फायदा है। और आपने बनना है तो भाई स्वागत, वो तो कोई किसी कहे तो मानता नहीं,
अपने तथ्य इकट्ठे करो, आप भी आओ सामने। बाकी इसमें किसी दुर्भावना का कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसलिए बताया कि ताकि इन साथियों को सूचना मिल जाए भाई वो इस केस में पार्टी है। मैं इसके बाद अगली वीडियो में कुरुक्षेत्र के पिटिशनर की भी लिस्ट डाल लूँगा, अगर उनको पता चला भाई ये आदमी पिटिशनर हैं। धन्यवाद।